कैसे हैं आप सब एक नए अंदाज में रजत पावर। थैंक यू मैं आप सबको बोलना चाहूंगा क्योंकि आपकी वजह से मेरे जो बैकलिप के ट्यूटोरियल है उसमें 1 मिलियन व्यूज हो गए, यानी कि 10 लाख व्यूज। ये सब आपके प्यार के बिना संभव नहीं था। आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया तभी आपकी वजह से मेरे चैनल पर 10 लाख व्यूज आए हैं। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग मुझे इतना प्यार देंगे, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में काम करता था यूट्यूब में, शुरुआत की थी, तो मुश्किल से 10-15 हजार व्यूज आते थे और आज 10 लाख का मैंने आंकड़ा पार कर लिया है। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ आपके साथ रजत पावर। ड्रिल आने वाला है, ये जो आज हम इससे अगला वो मैं दिखाऊंगा फ्रंट हैंड स्प्रिंग का, क्योंकि जितनी भी वीडियोस आई उनमें मुझे काफी लड़कों ने बुलाया है, लड़कियों ने, कि आप एक फ्रंट हैंड स्प्रिंग का वीडियो बनाएंगे जिसे बोलते हैं फ्रंट फ्लिप। तो उसके लिए मैं ग्राउंड देख रहा हूँ अच्छा सा, जिससे आपको समझ आए ढंग से। मैं ऐसा नहीं चाहता आप वीडियो डाल दी आपको समझ नहीं आई, कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है। मैं अच्छी सी वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो आज मैं आपको पॉपिंग का ट्यूटोरियल दूंगा जिसे बोलते हैं आइसोलेशन, ठीक है। तो मैं नीचे जाता हूँ यार, ऊपर मजा नहीं आएगा आप लोगों को, वो बैठ के बना रहे आराम से शाम से, मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है। देखो तो मैं आपको बताता हूँ क्या आइसोलेशन क्या चीज होती है। देखिए आइसोलेशन क्या चीज होती है, आइसोलेशन इसको बोलते हैं ये चीज जो मोशन में घूमती है, ठीक है। तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे हमारी गर्दन घूमती है, ठीक है। गर्दन अगर घूमेगी तो ये चीज घूमेगी, ठीक है। गर्दन का कोई फायदा नहीं घुमाने का, इसमें आपके शोल्डर्स मूव करते हैं, ठीक है, जिससे बोलते हैं आइसोलेशन, ठीक है। ये आपका पॉपिंग डांस का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जब बॉडी नीचे झुकती है और ये वाली चीज पूरी आपकी घूमती है, इसको हम आइसोलेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज आइसोलेशन आ जाती है तो उसके बाद अलग अलग मूव्स होते हैं, ट्रांजेक्शन 1 2 1 2 1 2। ये चीज थोड़ी एडवांस है, मैं आपको बताऊंगा पहले आप शोल्डर को कैसे मूव करें। सबसे पहले देखिए आप ये मत सोचिएगा कि आपको एक दिन में आया, ठीक है। मुझे 1 वीक लगा सीखने में, आपको कम से कम 1 मंथ तो लगेगा, देखिए, ठीक है। मैं ही नहीं बोलता कि आप 2 मंथ में सीख जाएंगे, ठीक है, 2 वीक में सीख जाएंगे, 1 मंथ लगेगा आपको अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, पहले शोल्डर्स को मूव करना सीखेंगे, पहले 1 इधर की तरफ, एक बार राइट की तरफ और एक बार लेफ्ट की तरफ, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। पहले आप 1 वीक केवल यही एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप ये एक्सरसाइज आपको आ जाती है तो उसके आप 1 पहले इधर की तरफ लेंगे, फिर राइट की तरफ 2, फिर इधर की तरफ 3, फिर पीछे की तरफ 4। जब 1 2 3 4 आपको कंटिन्यू होने लगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो समझिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है इसकी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बॉडी को आपके घर में जो भी मिरर हो आप उसमें अपनी बॉडी को झुका देंगे थोड़ा सा, ठीक है, स्टेप से झुकाएंगे आप, ठीक है। और सामने हल्का देखेंगे, ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे, गर्दन को नीचे रखेंगे, ये शोल्डर मूव करेंगे इधर से, पहले इधर को लिया, फिर ऊपर, फिर साइड, फिर डाउन, ऊपर साइड नीचे डाउन, ऊपर साइड नीचे डाउन। लेकिन मैं आपको इजी ट्रिक बता सकता हूं उससे, जिससे आपको और जल्दी जाए। आप क्या करेंगे, अपने हाथों को एक जगह रखेंगे, 1 2, तब इधर से घुमाना शुरू करेंगे, 1 पीछे और 2, इस स्टेप से घुमाना शुरू करेंगे। लेकिन आपके हाथ एक जगह एग्जैक्ट जगह पर नहीं बैठ सकते, तो स्टार्टिंग में आप कोई भी डंडा बैम्बू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां मैं इसकी एक हैंगर का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है, एक हैंगर है, बस कोई भी इस चीज से हाथ सीधे रहे। हैंगर ले लिया आपने, पहले आप राइट जाएंगे, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, तो ऐसे नीचे करके राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट लेफ्ट अप डाउन, राइट लेफ्ट अप डाउन। जितना ऐसे से करेंगे ना तो आपके मोशन आ जाएगा, जल्दी नहीं करेगा, 3-4 दिन तक ये एक्सरसाइज करेगा। फिर हल्का सा पकड़ोगे इसको, 1 2 3 4, ठीक है। जितना बॉडी झुकाएंगे उतना आसान रहेगा करना आपके, ठीक है, उतना आसान रहेगा। अभी मैं इसमें थोड़ा एडवांस भी डालूंगा ट्यूटोरियल, आप क्या करेंगे उसमें डाउन ट्यूटोरियल दूंगा, वो है अप डाउन आइसोलेशन का, ठीक है। उसमें आप डाउन 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 अप 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 अप, ठीक है। आज चिंता नहीं कीजिए, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा जब तक आपको आएगा नहीं। मगर ये मत सोचिए कि अगर ट्यूटोरियल लिया, अगर ट्यूटोरियल आपको फ्रंट हैंड स्प्रिंग का मिलेगा और आप चाहते हो कोई भी ट्यूटोरियल नया बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए और आप मेरे को फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। और एक खास बात, ठीक है, बहुत खास बात है, मैं चले जाऊंगा वीडियो से और आप भूल जाओगे मैंने क्या सिखाया, आप इसको याद करते रहिए, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको बता ही सकता हूँ। देखिए आप थोड़ी सी घर में प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी समझ आया कमेंट में लिखिए, मेरे से पूछिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और अगर जवाब नहीं दे पाता तो समझिए कि बहुत सारे व्यूज हैं, आप लोगों के प्यार की वजह से ही इतने व्यूज मिल पा रहे हैं मेरे को, उसकी वजह से प्लान नहीं कर पा रहा, लेकिन करूंगा जरूर, भले लेट करूंगा अपना, ठीक है।
और मैं अभी एक क्वेश्चन क्वेरी मैसेज भी करने वाला हूँ, आप जितने लोग मैसेज करते हो मेरे को उन सबके नाम मैं अपनी अगली वीडियो में बोलूंगा, दो तीन वीडियो बाद बोलूंगा, जिनके मैसेज में फेसबुक कमेंट्स में सबके नाम बोलूंगा मैं। और